शार्क टैंक इंडिया अब एक काफी ज्यादा फेमस शो बन चुका है। इस शो में लोग अपने नए नए और अनोखे बिजनेस आइडियाज को लेकर आते हैं, जिसे वो जजेस के सामने रखते हैं। उसके बाद अगर जजेस को उनका प्लान पसंद आता है तो वो उन्हें आगे के लिए भी फंडिंग करते हैं। अब आपके मन में यकीनन ये सवाल उठता ही होगा कि आखिर इन सभी बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप को फंड करने वाले जो जजेस हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनके पास पैसे कितने हैं और ये पर एपिसोड का कितना कुछ चार्ज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शार्क टैंक की सबसे पॉपुलर जज नमिता थापर के बारे में बात करेंगे। हम आपको उनकी नेटवर्थ भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि वो पर एपिसोड कितना चार्ज करती है। तो नमिता थापर शार्क टैंक का एक जाना पहचाना नाम है। उनकी गिनती सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में होती है और वो ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक पॉपुलर बिजनेस वुमेन है, इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव जज भी है। पिछले 3 सीजन से वो शार्क टैंक इंडिया की जज रही है। नमिता एमक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उनकी घोषित संपत्ति यानी कि रिपोर्टेड नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए की है। इन्होंने शार्क टैंक में सीजन के दौरान कई स्टार्टअप्स को फंड किया है, जिसमें स्मार्ट हेलमेट कंपनी एल्टोर, बमर कॉकटेल कंपनी इनेकिन और कई सारे स्टार्टअप इसमें शामिल हैं। नमिता के पास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास कई महंगी और लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी है। नमिता थापर के द्वारा उनकी MBA की पढ़ाई इंडिया में ही की गई थी, हालांकि इसके बाद वो अमेरिका चली गई थी, जहां पर उन्हें एक मेडिकल डिवाइस कंपनी गाइडेंट कॉर्पोरेशन में बिजनेस फाइनेंस हेड के तौर पर हायर किया गया था। अमेरिका से भारत वापस लौटने पर नमिता ने CFO के पद पर एमक्योर फार्मास्यूटिकल का कार्यभार संभाला था। इसके बाद नमिता लगातार इस कंपनी से जुड़ी रही और उन्होंने यहां पर अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। नमिता थापर के पास एक एजुकेशनल कंपनी इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड का भी मालिकाना हक है। नमिता शुरुआत से ही शार्क टैंक इंडिया में जज की भूमिका निभा रही है और ऐसा बताया जाता है कि पहले सीजन में नमिता ने हर एपिसोड का 8 लाख रुपए चार्ज किया था और अब हो सकता है कि जो अमाउंट है, ये जो चार्जेस है, ये और ज्यादा भी बढ़ गए हो, क्योंकि थर्ड सीजन चल रहा है। आपको बताते चले कि अब तक नमिता थापर के द्वारा शार्क टैंक में आई हुई 25 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन स्टार्टअप्स और बिजनेस कंपनियों में नमिता थापर ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। नमिता थापर को महंगी कारों और शूज का बहुत ज्यादा शौक है और ये अगर आप शार्क टैंक के एपिसोड्स देखते हैं तो आपको समझ भी आएगा कि उनको शूज का बहुत ज्यादा शौक है, ऐसा बताया जाता है। और उन्हीं के साथ जो साथी जज है उनके अमित जैन, उन्होंने ही इस चीज का खुलासा किया था कि उनके एक जूते की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा उनके पास BMW मर्सिडीज और ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों का भी कलेक्शन है। इनकी BMW X7 कार की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। तो आज की इस वीडियो में हमने शार्क टैंक नमिता के बारे में जानकारी दी है और आगे भी हम आपको जो दूसरे जजेस हैं उनकी भी नेटवर्थ और उनके भी जो फीस है वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए।